ये हमने जो फिश फ्राई ली थी उसकी रेसिपी है। ये हमने अच्छी तरीके से इसको धो लिया है, ये देखें। अब इसमें हम इसके मसाले ऐड करेंगे। इसमें मसाले ऐड करने के लिए सबसे पहले हमने लिया है इसका मछली का मसाला। इसके बाद हमने 4 से 5 छोटी वाली हरी मिर्ची ली थी, उसको पीस लिया है। ये उसका बन गया 1 चमचा पेस्ट। अब इसमें हम डालेंगे 2 चमचे लहसुन अदरक, 2 चमचे सोया सॉस। और सोया सॉस डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देख, मिक्स करने के बाद इसको हम मछली पे लगाएंगे। अभी मैं आपको मछली पे लगा के भी बताती हूँ ये कैसे लगाते हैं। और एक चमचा हमने ऑयल भी डाला है इसके मसाले में, ताकि ये थोड़ा नरम हो जाएगा मसाला और ये मछली पे आसानी से लग सकेगा। अब हम आपको इसको मसाला लगा के दिखाते हैं मछली पे। ये देखें अच्छी तरीके से ये जब्ज होना चाहिए। ये देखें इस तरह अच्छी तरीके से लगाइएगा, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से इसका मसाला जब हो जाएगा मछली में। ये देखें पूरा अच्छी तरीके से अंदर जब हो गया इसके। ये देखिए सारी मछली में अच्छी तरीके से हमने इसको मसाला लगा दिया। ये देखिए अच्छी तरीके से ये लग चुका है इसमें मसाला। अब हम इसको इसमें मैदे में करके दिखाएंगे आपको। ये देखिए अब हम इसको मैदे में करके दिखाएंगे। इसके बाद हमने जो पहला वाला हमने मैदे में कोटिंग किया था, इसको अब हम वापस करेंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगी, इसका मैदा फिर उतरेगा नहीं। ये इसी तरीके से सारे बेरों पे ऐसा ही मैदा लगा देंगे। ये देखें हमने सारे बेरों पे ये लगा लिया था अच्छी तरीके से मैदा। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। अब आपको डीप फ्राई करके दिखाएंगे।
जीरे को। कितनी ज़बरदस्ती लग रही है ये। ये देखें कितनी ब्राउन ब्राउन सी हो रही है ये, कितनी ज़बरदस्त सी लग रही हैं। ये देखें ये देखें, ये हमारी मछली फ्राई हो गई है, कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है। और हमने इसको डिश आउट भी कर दिया है। ये देखें हमारे मछली चावल तैयार हो गए बहुत ही मज़ेदार से। ये देखें कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। यम्मी।